मेरे साथ धोखा हुआ और मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके साथ कभी इस तरह का धोखा ना हो। जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय मुझे अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ी। मैंने सोचा कि चलो इसकी कहीं ट्रेनिंग ले लेते हैं, कहीं सीख लेते हैं। मैं ये सोचा कि चलो अपने शहर से बड़े शहर में निकलता हूं। उस बड़े शहर में मैं गया और वह शहर दिल्ली के नाम से जाना जाता है। उस शहर में मैं गया, वहां पे मैंने बड़े बड़े पोस्टर और बड़े बड़े को देखा और मैं देख करके वहां काफी मोटिवेट हुआ, उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ। मैं चला गया और जाकर जब मैंने बात किया उस समय उस जिस कोर्स को मैंने चयन किया था, सेलेक्ट किया था कि मुझे इसकी नॉलेज चाहिए, इसे मुझे सीखना है, उसके लिए मुझे 25,000 रुपये की फीस बताई गई। ठीक है, मैंने 25,000 जमा कर दिया और 25,000 जमा करने के बाद से पढ़ाई के लिए मुझे बुलाया गया। नेक्स्ट डे से क्लास था और उस क्लास के लिए मैं जब गया वहाँ पे, तो मैं पूरे दिन बैठा रहा, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे क्लास करने नहीं आया। जब मैंने पूछा कि सर मेरा एडमिशन है और मुझे पढ़ना है और कोई सर नहीं आया, उन्होंने कहा ऐसा एक हफ्ते के लिए सर छुट्टी पे चले गए हैं, एक हफ्ते बाद आ पाए। चलो मरता क्या ना करता, पैसा दे चुका था, पैसा रिफंड भी नहीं होने वाला था। मैं गया, एक हफ्ते बाद में पहुंचता हूं तो न वह स्कूल था और वह न जगह थी और न वह पहचान थी कि मैं कंप्लेन कर सकूं किसी। वो जितना भी सब कुछ लगा था सब वहीं था, बाकी कहीं नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया था। और जो भी इंसान अपनी पहचान को छुपाता है, जो भी इंसान लोगों के सामने आने से डरता है, निश्चित रूप से वह एक न एक दिन आपके साथ धोखा जरूर। उस दिन मैंने ये सीखा कि इस दुनिया में हर आदमी लूटने के लिए तैयार है, हर आदमी जिसे जब भी मौका मिलेगा आपको धोखा दे जाएगा। सोचना आपको है, समझना आपको। हर एक स्टूडेंट के साथ जीवन में धोखा होता है। मेरे पैसे भी डूबे, मुझे भी जब शुरू में नौकरी नहीं मिल रही थी तो मैं भी दौड़ता था इधर उधर, इधर जाऊं उधर जाऊं। मैं गया, ये घटना और भी घटी। अब मुंबई ले चलता हूं आपको, मुंबई में क्या हुआ कि ये नौकरी आपको मिलेगी। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है सर। कितने पैसे मिलेंगे सर? तो देखिए आपका सिलेक्शन होगा, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद से आपकी जो सैलरी मिलेगी 12,000 से लेकर 18,000 के बीच में आपको हर महीना मिलेगी। रहने के लिए जगह मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, खाना आपको बना के खाना होगा, अपना खुद खाएंगे। हमने कहा चलो सर ठीक है, कोई बात नहीं। सर इंटरव्यू कब होगा? सर इंटरव्यू कल होगा और आप आ जाइए और जाइए, मैडम आपको समझा देंगे। मैं मैडम के पास गया, मैडम कल इंटरव्यू है, कहाँ होगा, कैसे क्या? तो सर ये फॉर्म भर दीजिए। मैंने एक फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद उस पे लिखा था 6,500 रुपये। सर ये 6,500 रुपये आप जमा कर दीजिए। मैंने पूछा किस लिए? तो सर ये जो है आपकी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रिफंडेबल होता है। जब आपकी पहली सैलरी मिलेगी तो आपकी पहली सैलरी में 6,500 जोड़ के आपको दे दिया जाएगा। यानी ये पैसा मैं इसलिए जमा कर रही हूँ कि यह विश्वास हो सके कल आप इंटरव्यू में आएंगे। हो सकता है कल आप ना आए और मैंने कंपनी को बुला दिया है, तो अगर आप नहीं आएंगे तो ये पैसा उनके ऊपर में जो भी उनका आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा है, वो उसमें खर्च कर दिया जाएगा, फिर ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। हमने कहा चलो 6,500 मैंने दे दिया। दूसरे दिन मैं आया, दूसरे दिन आने के बाद से मेरा इंटरव्यू हुआ। जी हाँ, मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पास हो गया। उन लोगों ने बताया पास हो गया, मुझे ऑफर लेटर भी मिल गया, सैलरी लेटर भी मिल गया और मुझे भेजा गया कि इस साइट पे जाइए। उसको लेकर के मैं उस साइट पे चला गया और जब मैं साइट पे गया तो वहां पे जब दिया सब लोग हंसने लगे। ये क्या है? हमने कहा सर ये मेरी जॉब है, ऑफर लेटर है। कहा ये तो मेरी कंपनी ही नहीं है, कहाँ से लेके आ गए हो? हमने कहा सर ये कंपनी थी और ये मैडम ने दिया है मुझे। कहा अरे मेरे भाई कहाँ से आए हो? मैंने बताया यहाँ से आया। उस आदमी ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, ये जो कंपनी काम कर रही है उस कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग ये कहेंगे कि उस कंपनी का एडवर्टाइज कर रहे हैं। उस कंपनी कहा कि मेरी कंपनी ये है, देखो मेरी कंपनी ये है और हमारा सिलेक्शन भी मुंबई में होता है, लेकिन हमारी कंपनी का ये चीज प्रोसेस है, हमारे पास कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको जिस कंपनी ने भेजा है उस कंपनी को हम जानते तक नहीं। मुझे लगा कि चलो 25,000 वो भी डूब गए, 6,500 ये भी डूब गए। मैं बताऊं डियर स्टूडेंट्स, मैं वापस आ गया और मुझे बहुत ही तकलीफ हुई थी,
उस दिन मैंने ये कोशिश किया, मैंने ये प्रण किया कि मैं आज के बाद से किसी के साथ धोखा नहीं होने दूंगा, इनकी पोल खोलता रहूंगा, इनको बताता रहूंगा कि इस तरह से होगा। और ये होता है, आप खुद देखिए, आपके साथ ऐसी घटना घटी होगी या बहुत से लोगों के साथ घट चुकी है। जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं, कहा जाता है ऐसा है, आप इतनी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर दीजिए, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फीस है, ये हमारा प्रोसेसिंग फीस है, ये हमारा इंटरव्यू फीस है, ये तमाम तरह की, जहां भी जाए आप सावधान हो जाइए, ये धोखा है, ये ट्रैप है, इस ट्रैप में आप फंस जाएंगे, आपका पैसा जाएगा, नौकरी नहीं मिलने वाला है, नौकरी नहीं मिलना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसी को कोई पैसे मत दो, किसी को कोई पैसे, नौकरी हो न हो, एक पैसा मत देना किसी को, मत देना कभी, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी नौकरी देने के लिए पैसा नहीं लेती है, कभी पैसा नहीं लेती है, वह ठगने के लिए ये लोग जाल बिछा के बैठे हुए हैं। ये फला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये फला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये फैलाकर बैठे हुए, इनके जाल में आपको नहीं फंसना है, सावधान रहिए। और जब तक आप नहीं सावधान रहेंगे, फिर अक्सर आप सुनते हैं कि बेरोजगारों को विदेश भेजने के नाम पर इतने लोग पैसा लगाए और ठग के लेकर चले गए, गायब हो गए, वो बेचारे घूम रहे आज भी थाने थाने में जा रहे हैं, FIR दर्ज करा रहे, किसी ने पैसा बेचा था, किसी ने जमीन बेच के पैसा दिया, किसी ने गहने रख कर दे के दिया, अरे कितना मेहनत से पैसा आया और वो पैसा चला गया, अब क्या करेंगे आप? तो आज डिसाइड करिए, नौकरी मिलेगी बगैर पैसे का तो करूंगा, और नहीं तो अपना खुद का रोजगार करूंगा, कोई रास्ता ढूंढूंगा, पैसा नहीं दूंगा। जो भी खर्च करना अपने ऊपर करिए, अपने आप को ट्रेनिंग करिए, बेस्ट करिए, सीखिए, लर्न करिए, स्किल डेवलपमेंट करिए, सब कुछ करिए, लेकिन नौकरी के लिए पैसा मत देना, कभी मत देना। अगर देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, फंसते हैं उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि लूटने वाले तो हर कदम पे आपके साथ। इसी के साथ कहता हूं कि आप सोचिए, समझदार बनिए और आगे बढ़िए, आपका एक बेहतर भविष्य इंतजार कर रहा है। मैं आपके साथ हूं, मुझसे जितना भी हो सकता है, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न सिख हूं, न ईसाई हूं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन फोन पे नहीं, आपको आना पड़ेगा मेरे पास। आप मेरे पास चल के आएंगे, आप एक बार चल के आइए, मैं भी आपके पास चल कर आऊंगा, लेकिन अगर आप कदम नहीं बढ़ाते हैं तो माफ करना, ना मेरे पास टाइम है आपसे बात करने के लिए और ना आपके पास आने के लिए। मेरी बात बुरी लग रही होगी, लगती होगी, चुभती होगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यही सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत।